नमस्कार, आज तक डॉट इन में आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य बिडवई। आज हम बात करने जा रहे हैं असम पर। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि NRC की रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के अंदर असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए सरकार ने अभियान चलाया है। ये दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में से एक है। इस अभियान के अंदर में तीन मुद्दों पर काम सरकार ने किया है। पहला है डिटेक्ट, सेकेंड है डिलीट और थर्ड है डिपोर्ट, यानी कि उन लोगों को जो असम में अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें डिटेक्ट करना, उन्हें उनकी पहचान करना, उन्हें हटाना और वापस उन्हें उनके देश भेजना। तो गैर कानूनी तरीके से असम में रह रहे 50 लाख बांग्लादेशियों को निकालने के लिए सरकार ने यह अभियान चलाया था। इस अभियान का दूसरा ड्राफ्ट आज जारी किया गया है। इसके पहले वाला ड्राफ्ट जनवरी को 1 जनवरी की आधी रात को जारी किया गया था। उस वक्त असम में भय खौफ का माहौल था। कई बार कई जगह हिंसक घटनाएं भी रूप लेते हुए रह गई। इसी एहतियात के तौर पर सरकार ने पहले ही 22,000 मिलिट्री ट्रूप्स को असम में डिप्लॉय किया। इसके अलावा जगह जगह स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई ताकि मॉब लिंचिंग और इस तरह की घटनाएं ना हो। दरअसल यह पूरा मामला 37 साल पुराना है। 1971 में जब बांग्लादेश का स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, उस वक्त जब वहां पे आंदोलन छिड़े थे, तो कई बांग्लादेशी नागरिक भारत आ गए, असम में बस गए। अब पिछले 30 से 40 वर्षों से असम में बांग्लादेश के नागरिक बसे हुए हैं। इस कारण से यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक समस्याएं काफ़ी उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ पे कई बार हमने देखा कि दंगे हुए, कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, भीड़ तंत्र एकदम हावी हो गया पुलिस पे, कई जगह हिंसक घटनाएं हुई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने यह अभियान चलाया कि बांग्लादेशियों को वापस डिपोर्ट किया जाए। अब हम इस आंदोलन के बारे में बात करते हैं कि असम में घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए यह आंदोलन शुरू कैसे हुआ। तो यह शुरू हुआ था 1979 में। तब असम स्टूडेंट यूनियन और असम गण परिषद के लोगों ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को बाहर निकालने के लिए आंदोलन छेड़ा। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई, हज़ारों लोगों की मौत हुई और कई तरह के आंदोलन छिड़े। सरकार के ऊपर में यह आरोप लगे कि सरकार वोट बैंक के चक्कर में असम में अवैध घुसपैठियों को रहने के लिए देते हैं, उनके वोटर आईडी राशन कार्ड बनवाए। इसके बाद हिंसा असम में इतनी बढ़ गई कि 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को इसमें, राजीव गांधी जो थे उस वक्त, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि असम में हिंसा रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय हमें निकालना पड़ेगा। उन्होंने असम स्टूडेंट यूनियन, असम गण परिषद के लोगों से बातचीत की। इसके बाद स्टूडेंट यूनियन और असम गण परिषद के बीच जो प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, उसमें यह तय हुआ कि 1951 से लेकर 1971 तक में जितने भी लोग असम में आकर के बसे उन्हें नागरिकता दी जाए और 1971 के बाद जो बाद में आए उनकी नागरिकता ख़त्म की जाए। तो उस वक्त चुनावी समीकरण कुछ ऐसे बने कि बात नहीं बनी सरकार और वहाँ के लोगों के बीच, और दोबारा हिंसाएं फिर चालू हो गई काफ़ी मात्रा में। आपको मालूम हो कि असम में वैसे ही सेना हमेशा रहती है वहाँ पे, हालात ना बिगड़े इसके लिए कई सारे दल काम भी करते हैं। इसके बाद वक्त बीतता गया, ना BJP सरकार, उस वक्त अटल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो दोनों ही सरकारों ने कोई कदम नहीं उठाया इस मामले में। इसके बाद बारी आई जब 2014 के चुनावों की, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उन्होंने असम में रैली के दौरान कहा कि हम अवैध घुसपैठियों को असम से बाहर निकालेंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस सुस्त पड़ गई, BJP ने दाव खेल दिया अपना और इस मामले में BJP को चुनावी मुद्दा बनाया गया और BJP की असम में जीत भी हुई। फिर 2016 में जब BJP की सरकार असम में बनी, तो अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया फिर तेज हुई। NRC के इस पर काम किया गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यह मामला। सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार भी लगाई सरकार को कि ऐसे कामों में देरी क्यों की जा रही है। यदि कोई अवैध घुसपैठिए आपके देश में है तो उन्हें बाहर निकाला जाए, उसकी एक प्रॉपर प्रक्रिया हो, उसकी एक तरीका हो। इसीलिए NRC के तहत डिटेक्ट, डिलीट
एंड डिप्लॉय, इन तीन मुद्दों पर काम किया गया। 14 तरह के डॉक्यूमेंट्स लिए गए कि वेरिफिकेशन के लिए कि आप असम के नागरिक हैं या नहीं हैं। हर बात पर जोर दिया गया, हर क्रॉस चेक किया गया, उसके बाद ये लिस्ट जारी की। इसके बाद सरकार ने 1 जनवरी की आधी रात को इस ड्राफ्ट को जारी किया, जिसमें करीब 3 करोड़ असम में रहने वाले नागरिकों में से 1.5 करोड़ लोगों के बारे में जानकारी सार्वजनिक की गई कि वो असम के नागरिक हैं कि नहीं हैं। इसके बाद लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक किए। कई परिवारों में ऐसा दिखा कि किसी के पिता का नाम उसमें है तो किसी के पिता का नाम नहीं है, किसी की पत्नी है तो बच्चों के नाम नहीं है। इस तरह के कई सारे मामले सामने आए। कई जगह सुसाइड भी लोगों ने कोशिश की कि हमें वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से लोग असम में बसे हुए हैं, तो उनकी घर गृहस्थी, दोस्त यार परिवार सब असम में ही हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इसी कारण से सरकार ने भी इस पर बेहद ध्यान दिया है और कई ट्रूप्स आर्मी के वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि वहाँ पर किसी तरह की हिंसक घटना ना हो। अब NRC का दूसरा ड्राफ्ट जो है वो सरकार ने आज 10 बजे जारी किया है। इसमें असम में सभी जगह से लोग अपने नाम जानने के लिए NRC सेंटर्स पहुँच रहे हैं। सरकार इस पर कड़ा रवैया इसलिए भी नहीं अपना रही है क्योंकि यदि इस तरह से कदम उठाती है सरकार तो सामाजिक खाई एक बढ़ जाएगी दो समुदायों में, और खासकर बांग्लादेशी मुस्लिम इस NRC रिपोर्ट के बाद काफ़ी खौफ में, काफ़ी डरे हुए हैं। असम के CM ने इस ड्राफ्ट के जारी होने के बाद बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक ना हो, उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो जा करके NRC रजिस्टर में देखे, चेक करे और वेरीफाई करने के लिए भी कई मौके दिए जाएंगे, इसलिए पैनिक ना हो, उन्होंने कुल मिलाकर यह बात कही है। आने वाले 1 से 2 दिन में यह बात साफ हो जाएगी कि सरकार किसे डिटेक्ट करती है, किसे डिलीट करती है और किसे डिप्लॉय वापस बांग्लादेश करती है। हम इस बात पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे साथ देखते रहिए आजतक.in।